हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है डब्ल्यूपीएल के तीसरे मैच का प्रीव्यू बिटवीन द डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स, जो कि लास्ट ईयर थी बॉटम ऑफ टेबल। और कोशिश करेंगे कि जो अपने जैसे हमारे कुछ टीम कुछ खास अच्छी नहीं रहती बहुत लंबे टाइम तक, वो भी अपने जो है फॉर्चून्स को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि नया वेन्यू है, नया सेटअप है। लेकिन क्या कुछ बदला है गुजरात जायंट्स के सेटअप में ओवरऑल, बात करेंगे। हमारे साथ में मिस्टर प्रतीक गुसार, वेलकम बैक प्रतीक भाई। हेलो फ्रेंड्स। मुंबई इंडियंस पहला मैच क्या जीती है, लास्ट बॉल 6, इससे बढ़िया फिनिश हो ही नहीं सकती डब्ल्यूपीएल के ओपनर के लिए। और वो आपके अंदर का जो एमआई फैन है उसकी खुशी साफ दिख रही है। और हमने एक्चुअली बात की थी, काफी देर हमने फोकस किया था ऑन संजीवन सजना की, आप जरूर इन पे नजर रखिए और एक ये सुपरस्टार इन मेकिंग हो सकती है, इस सीजन का ब्रेकआउट सीजन हो सकता है उनके लिए। और वो पहली बॉल पर 6 मार के उन्होंने जो है थोड़ी हमारी इज्जत रख ली है। अरे भाई, इस मैच की बात करते हैं। गुजरात लास्ट ईयर बहुत स्ट्रगल की थी और पहले मैच के अंदर ही वो जैसे ही रिटायर हर्ट हुई बेथ मुन्नी, मैंने इनफैक्ट ट्वीट भी कर दिया था कि सीजन खत्म हो चुका है गुजरात का, क्योंकि वो इतनी वीक साइड लग रही थी बिना, जब जैसे वो इंजर्ड हुई उसके बाद तो कंफर्म हो गया था कि वो क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। बहुत ज्यादा अपग्रेड्स उन्होंने इस सीजन भी मैसिवली नहीं किए, और वो जो ओवरसीज कॉम्बिनेशन है वहां पे बहुत ज्यादा जगह दी नहीं है अपने को कि फास्ट बॉलर्स ज्यादा रख पाए या फिर ऑलराउंडर्स वो रख पाए, एस गार्डनर ऑलरेडी है उनके पास। आपके अकॉर्डिंग वो प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, और क्या आपको लगता है जैसे पिछले साल 2 मैचेस मुंबई ने एक तरफा जीते थे उनके अगेंस्ट, वैसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? पीयूष भाई, मतलब मैं मुंबई को ही फेवरेट लेकर जाऊंगा इस गेम में। गुजरात की तरफ से मतलब एक ही डिसअपॉइंटमेंट है कि फर्स्ट सीजन के बाद भी ये सीखे नहीं। उसके बाद इन्होंने जुर्रत करी कि सदरलैंड को रिलीज कर दिया, फिर 2 करोड़ में एक इंडियन पेस बॉलर लिया। अनफॉर्चुनेटली मतलब यू नो थिंग्स जो इनके सही इनके डायरेक्शन में जाने चाहिए थे वो हुआ नहीं। मेरे हिसाब से जो इनका प्लेइंग 11 होगा उस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ 2 प्लेयर पे। मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है क्या हो सकता है पॉसिबली। मूनी ओपन करनी चाहिए अलॉन्ग विद वुल्फार्ट मेरे हिसाब से। उनके बाद हरलीन देवल होंगी, फिर एशली गार्डनर होंगी, फिर हेमलता होंगी, फिर वेदा कैथरीन ब्राइस शायद यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। अगर ब्राइस नहीं खेलती हैं तो यहाँ पर ये एक चीज ये कर सकते हैं कि लिचफील्ड फीबी लिचफील्ड को नंबर 6 के आसपास खिला सकते हैं, जो लिचफील्ड का रोल भी है ऑस्ट्रेलिया के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में जो वो करती हैं, तो वो वाला हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। तो उस केस में वुल्फार्ट लिचफील्ड दोनों खेलेंगे। इनके बाद स्नेह राणा होंगी, कंवर होंगी, लिया तहू का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज सोल अभी सीमर है, जो रिस्पेक्टेबल सीमर है जिनके पास एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से फ्रॉम एन इंटरनेशनल परस्पेक्टिव, तो वो एक होगा। एंड देन जो फाइनल वाला स्लॉट होगा वो शायद मेघना की तरफ या प्रिया की तरफ जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 11 होना चाहिए इनका फॉर दिस गेम। अगेन ज्यादा सीखे नहीं है फ्रॉम लास्ट सीजन, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मूनी जो कि इस टीम की नींव है वो फिट रहे, वो रन स्कोर करती रहे हमारी फैंटेसी टीम के लिए और गुजरात के लिए। तो जैसा प्रतीक भाई ने बोला ऑलमोस्ट वैसे ही मुझे लगता है कि 11 हो सकती है। बस जो ट्रिकी कॉल है जो कि लेना है गुजरात को, यही है क्या लॉरा वुल्फार्ट के साथ हो जाएंगे या फिर वो एक मीडियम पेसर लेंगे, या तो वो जो कि रिप्लेसमेंट प्लेयर है, क्योंकि काशवी गौतम बहुत बड़ा मिस है उनके लिए, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें 4 ओवर भी देंगी, बैटिंग भी देंगी, इंडिया ए सेटअप का पार्ट भी थी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में रही थी। लेकिन अब जो है वो बॉलिंग लाइन अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही वीक लग रही है। अदर देन एस गार्डनर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, कैथरीन ब्राइस का रोल इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है, और कैथरीन ब्राइस क्योंकि वो एसोसिएट प्लेयर कोटा में आती है, स्कॉटिश है और बहुत एक्सपीरियंस है, पूरा इंग्लिश डोमेस्टिक खेली है, तो वो इकलौती टीम होगी गुजरात इस सीजन जो कि 5 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेलेगी। लास्ट टाइम देखा था दिल्ली ने किया था विद करण ओरिस, लेकिन इस सीजन आपको गुजरात खेलती हुई दिखेगी 5 ओवरसीज के साथ, और कैथरीन ब्राइस का रोल क्योंकि अब इस बॉलिंग लाइनअप में देखेंगे तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है नहीं तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे लिए एक टॉप डिफरेंशियल में रहेंगी 11। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ये रहने वाली है, और शबनी शकील एक मुझे लगता है कि स्टार्ट कर सकती है अलॉन्ग विद तनुजा कवर और मेघना सिंह, तो ये एक्सपेक्टेड 11 है हमारी। और फॉर्म जो है वो हम लास्ट में जब टीम बनाएंगे तब बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे प्लेयर्स का कंसर्न रिसेंटली वो जो है जो बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे थे डब्ल्यूबीएल के स्टार्ट होने तक, वो फॉर्म काफी गिर गई है। हमने हरमनप्रीत के साथ देखा था, उनके साथ उल्टा हुआ है, वो फॉर्म काफी गिरी थी लेकिन पहले मैच के अंदर एक बेहतरीन नॉक खेली है, और इस मैच में तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। गुजरात के अगेंस्ट दोनों मैच जो उन्होंने लास्ट सीजन खेले थे दोनों में 50 स्कोर की थी, दोनों में प्लेयर द मैच थी। तो अब डायरेक्ट चलते हैं टीम बनाने पे, उसी के साथ में हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारे कैप्टनसी ऑप्शन है, क्योंकि एनीवे गिनती के वही 3 से 4 5 होने वाले हैं। तो चलते विकेट कीपर सेक्शन में, आपके पास बेथ मूनी है, और मैं कल वो जो ब्रॉडकास्ट पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट सुना जो कि मैं काफी सरप्राइज था सुन के, कि पहली जो है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बनी है यस्टिका भाटिया जिन्होंने 50 स्कोर किया डब्ल्यूपीएल में, पूरा एक सीजन हो जाने के बाद में किसी भी एक लेफ्ट हैंड बैट ने 50 स्कोर की नहीं थी। तब मुझे रिसेंटली वो मैच याद आया, बैट मुनी इस मैच में इंजर्ड हो गई थी, तो पहला मैच ही हो सकता था जिसमें बैट मुनी स्कोर करती थी। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ रही है, बहुत रन किया उन्होंने रिसेंटली, अगर साउथ अफ्रीका सीरीज की बात करें डब्ल्यूपीएल की टॉप स्कोरर भी थी, इंडिया सीरीज में भी रन किए, तो बैट मुनी तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक डिफॉल्ट ऑप्शन रहेंगी।
अलोंग विद एस्टिका जिस तरीके से वो खेली, उनकी भी डोमेस्टिक फॉर्म बहुत ही अच्छी है। जोनल जो डेज हुए थे उसमें एक मैच में 150 मार के आ रही थी, और लास्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। और मुंबई के बॉलर जैसे बॉलिंग करते हैं, उनके पास में वो स्टंपिंग अपॉर्चुनिटी भी काफी आती है। प्रतीक भाई, क्या आप दोनों के साथ जाना चाहेंगे या फिर सिर्फ एक और, अगर एक तो कौन? हाँ दोनों के साथ जाऊंगा मैं, जैसा कल वाली गेम में भी अस्तिका पाटिया खेली प्लस विकेट कीपिंग का ऑप्शन है, बहुत बढ़िया पिक होंगी एंड उनको ड्रॉप करना है। एटलीस्ट मुंबई का जो टॉप फोर है वहाँ पे कहीं भी कुछ ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, स्पेशली जब हमें पता है कि गुजरात की बॉलिंग शायद इतनी स्ट्रांग ना हो। मतलब एशली गार्डनर है पर वो भी स्ट्रगल ही करी है, स्पेशली जब हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो आई विल बैक मुंबई के चारों एंड अस्तिका पाटिया रहेंगे मैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं अब। लॉरा वुडफार्ट ने कुछ बढ़िया नॉक्स खेली थी, स्पेशली अगर अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद से बहुत ज्यादा रन रिसेंटली नहीं आया है। और क्या वो स्टार्ट भी करेंगी वो देखना होगा, क्या तहु वर्सेस लॉरा वुडफार्ट किसकी तरफ जाती है गुजरात। लेकिन अगर आप मैचअप की बात करें तो ज्यादा कुछ उनके अगेंस्ट है नहीं, अभी तक नंबर उनके बढ़िया रहे। वहीं बेथ मूनी की अगर बात करें तो ओपनिंग जो बैटर्स हैं उनके अगेंस्ट अगर आप देखें, एविलिया के रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, तो वो जरूर थ्रेट रह सकते हैं। और इसके अलावा फिच अगर लीवी फिचवेल की बात करें तो उन्होंने बहुत रन किए थे अगेंस्ट इंडिया। ऐसा लग रहा था कि वो जो लक है उनके साथ था, क्योंकि बहुत उनके जो मिस चांसेस थे वो उन्हें मिले थे, बहुत कैचेस ड्रॉप हुए थे, और वो प्योर कभी बैट्समैन के साथ जो लक होता है कि आप कितना भी मिस टाइम कर दे, नो मैन्स लैंड पे जाता उनके साथ हो रहा था, बट अब वो लक खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। लास्ट कुछ मैचेस में बिल्कुल रन नहीं आए, लेकिन वो सेम चीज कैप्सिकी के साथ भी थी, और उन्होंने पहले मैच में ताबड़तोड़ फोड़ दिया, मेरी टीम को बर्बाद कर दिया। लेकिन व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम में थी, और व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मेरी टीम में जरूर कैप्सी नहीं थी। प्रदीप भाई, क्या आपकी टीम में थी कैप्सी? यस कैप्सी को रखा था मैंने भी एंड मतलब काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस थी ब्लू स्पोर्ट एल्गो की। जैसे आपने कहा 773.5 पॉइंट्स बने, बढ़िया स्वीप था। उम्मीद करेंगे आगे वाले गेम्स में भी सेम यू नो ट्रेंड फॉलो करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा मेरा ट्रेड फॉलो ना हो। तो अब आगे बैट्समैन पे चलते हैं। लॉरा वुल्फार्ट एक ऑप्शन है आपके पास, लीव फिल्चफील्ड है, इसके अलावा आपके पास में हेमलता है, हरलीन देओल है। तो फिलहाल के जो टॉप तीन ऑप्शन है आपके पास, हरमनप्रीत जिन्होंने दोनों मैचेस में रन किए थे गुजरात, और फाइनली पहले मैच में रन किए और काफी अच्छी लगी हुई थी बैट लास्ट मैच में, और एक टॉप ऑर्डर बैटर में से अगर आपको रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही रिसेंटली रन नहीं किए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सर्फेस है और दोनों बैटर्स ऐसे हैं जो कि एक लंबा स्कोर कर सकते हैं। प्रतीक भाई, अगर आपको एक पिक करना हुआ या फिर दोनों पिक करने हुए तो कौन से? तो पीयूष भाई मोस्टली जैसा मेरा टीम का सेटअप हो रहा है मैं शायद एक ही बैटर को पिक कर पाऊंगा ओवरऑल। तो मेरे लिए जो बैटर्स में जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, नंबर वन पर हरमनप्रीत कौर को रखूंगा मैं। जैसे मैंने कहा कि मुंबई मेरे लिए फेवरेट्स है और मैं इनके टॉप फोर को बैट करूंगा, चाहे बैट फर्स्ट हो बैट सेकेंड हो। अगर मुझे वुलफार्ट और लिचफील्ड में अगर चेंज एक पिक करना हुआ तो मैं शायद लिचफील्ड की तरफ थोड़ा सा टेम्प्ट रहूंगा अगर वो इनिंग्स ओपन करती हैं तो। यदि लिचफील्ड नंबर सिक्स पर लिस्टेड है और वुलफार्ट ओपन कर रही है तो मैं शायद वुलफार्ट को भी ना पिक कर पाऊँ। आपने अगर देखा होगा पीयूष भाई जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी थी इनकी रिसेंटली, वुलफार्ट के अगेंस्ट ना टीम्स ने एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली जो शूट ने काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट करा था कि जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप वो बॉल मिलता है आउटसाइड हो, करेक्ट। तो सेम स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिकॉज सामने आप देखोगे नेट्स के वे ब्रंट है, यू नो हरमन है, तो यू नो मुंबई की कोचिंग सिस्टम ने भी वो एटलीस्ट वो ट्रेंड को पकड़ा होगा एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिमिलर सेटअप में जब पूजा वस्त्रकर सामने होंगी शायद वो सेम ट्रबल इनको कर सकते हैं। तो मैं वो रिस्क नहीं लूंगा, हरमनप्रीत कौर कहते जाऊंगा यहाँ पर एज अ बैटर। जी हाँ। और फिच लिचफील्ड के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो स्माइल के अगेंस्ट भी खास अच्छे नहीं रहे, तो वो भी थ्रेट रहेंगी। बेथ मूनी को भी उन्होंने काफी ओवर आउट किया, तो शबनम स्माइल तो वैसे भी हमारी टीम में रहने वाली है और आपकी भी, बट वो जो स्पेसिफिक एक दो मैचअप्स हैं उसके बेसिस पे अगर आप पिक या ड्रॉप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि कैप्सी के मैचेस भी सारे सबके अगेंस्ट खराब ही थे, स्माइल के अगेंस्ट भी खराब थे। आगे चलते हैं, आपके पास में ऑप्शन है ऑफ सजना, जैसे हमने पहले मैच में भी बात की थी, और अब तो खैर हर कोई इनकी बात कर रहा है, बट इनकी बॉलिंग जो है वो और भी ज्यादा उससे वैल्यू है। हालांकि केरला के लिए रिसेंटली बहुत ज्यादा बॉलिंग की नहीं उन्होंने, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बॉलिंग करने की तो जरूर आपके लिए एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल हो सकती है। लास्ट मैच में वार्म अप जरूर करी थी, वहां पे प्रैक्टिस विकेट्स पे वो बॉलिंग करती हुई दिख रही थी, तो एट सम पॉइंट मुझे लगता है जरूर बॉलिंग करेंगी। कल जैसी सिचुएशन थी शायद वो सही समय नहीं था वो बॉलिंग देने का, बट जब एक डोमिनेटिंग सिचुएशन में होगी मुंबई और मैच खत्म होने वाला होगा, तो हो सकता है कुछ ना बॉलिंग करते हुए भी दिखे। और सेक्शन चलते हैं, हिली मैथ्यू, नैट्स ब्रंट, एमिले केर, एश गार्डनर और केथन राइस फिलहाल के लिए 5 ऑलराउंडर्स मेरी टीम में है। अच्छी ऑप्शन इसके अलावा जो आपके पास में है वो है स्नेह राणा, ठीक ठाक सी फॉर्म रही है डोमेस्टिक में, और केथन राइस बहुत ही बढ़िया फॉर्म में आ रही है, और जैसा हमने बात की स्टार्टिंग में उनका रोल काफी बढ़ जाता है इस टीम में। अगर तहु नहीं खेलती है तब तो और भी ज्यादा, तब तो आप ड्रॉप ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो पूरे ओवर्स भी करेंगी। उसके अलावा बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छी है, बहुत रन करके आ रही है और बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है। प्रदीप भाई, इनके अलावा क्या आप किसी को पिक करना चाहेंगे? नहीं पीयूष भाई ये आपने जो कहा मोटा मोटा सेम ट्रेंड होगा। मेरा खाली एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर और हम आगे चल के जब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी डिस्कस करेंगे तब भी ये काफी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाएगा। हेली मैथ्यूज
कि यू नो फ्रॉम अ बोलिंग पर्सपेक्टिव जो हमने कल की गेम में देखा था, राइट, वो काफी डेट्रिम मतलब काफी अगेंस्ट जाता है उनके अगर उनको उतने कोटा ऑफ ओवर्स नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो क्या आपको लगता है पीयूष भाई कि इस गेम में भी हेली मैथ्यूज के ओवर्स कटने के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली जिस तरीके से सामने सेटअप है? या आपको लगता है कि हेली मैथ्यूज को जो ओवर्स लास्ट गेम में कटे थे वो एक अब यू नो एक अनोमली थी और वो नॉर्मल चीज नहीं होगी? नहीं, आई थिंक वो अगर 2 सिक्सेस कैप्सी ने बैक टू बैक नहीं मारती तो वो कंटिन्यू ओवर्स करती, और क्योंकि वो कैप्सी ने इतना ज्यादा उन पर अटैक किया, इतना डोमिनेट किया, तो फिर वो ऑब्वियसली अटैक से बाहर हो गई। अदरवाइज उससे पहले तक हेली मैथ्यूज एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग कर रही थी। अगर आप उन दो बॉल को हटा दें, वो जो ओवर आया था उससे पहले ऐसा लग रहा था शायद हेली मैथ्यूज हर बॉल पे विकेट ले सकती है, और एक जो एलबीडब्ल्यू चांस था वो बॉल थोड़ा सा ऊपर मिस हो गई, अदरवाइज कैप्सी को उन्होंने आउट भी कर दिया था। तो हेली मैथ्यूज बॉलिंग वैल्यू डेफिनेटली है उनके साथ में, और हेली मैथ्यूज के साथ वो भी नहीं है कि सिर्फ वो लेफ्ट हैंडर्स के ही विकेट लेती हूँ, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में वो मैचअप्स इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते कि लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट टॉप स्पिनर विकेट ले जाएगा, या फिर सेम लेफ्ट आर्म स्पिनर यहाँ पे लेफ्ट हैंडर को भी बॉलिंग करता है और विकेट भी लेता है। तो हेली मैथ्यूज के साथ जरूर अभी भी बॉलिंग वैल्यू है, पहले मैच में हुआ जो कुछ खास मैटर करता नहीं। हालांकि बैटिंग से जरूर मुझे इतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती, क्योंकि थोड़ी भी अगर कंडीशंस थोड़ा सा मूव कर रही हैं और वो क्योंकि इतना ज्यादा अटैकिंग खेलती है तो विकेट्स वो स्टार्टिंग में चांस देती है आपको विकेट लेने का। तो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। फिलहाल शमन इस्माइल है और साइका इशाक मैं अभी पिक करना चाहूंगा। प्रतीक भाई, क्या तीसरी बॉलर पूजा वस्त्राकर को आप पिक करेंगे, या फिर समर फ्रॉम गुजरात जो कि तनुजा कंवर हो सकती है जिनकी डोमेस्टिक फॉर्म काफी अच्छी रही थी रिसेंटली। इसके अलावा आपके पास मेघना का ऑप्शन है, और शबनम शकील भी एक अच्छी ऑप्शन है जो कि ऑलराउंड वैल्यू आपको देती है, मुझे लगता है स्टार्ट कर सकती है, बट ऑब्वियसली स्मॉल लीग्स में ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो दो तो स्टेट है, क्या तीसरी पूजा वस्त्राकर जो कि ऑलराउंड वैल्यू दे रही है आपको? पीयूष भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लूंगा, और यदि लिया था वो खेलती है तो पर्सनली मैं काफी मतलब यू नो उनको फॉलो कर रहा था न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक गेम्स में भी। मैं तहू को बैक करूंगा यहाँ पे क्योंकि वैल्यू काफी ज्यादा है उनके साथ। मुझे लगता है कि वो सेटअप में अगर वो खेलती हैं तो उनको ज्यादा यू नो अपॉर्चुनिटी मिलेगी विकेट्स लेने की, नंबर वन। नंबर टू, हेली मैथ्यूज को उन्होंने काफी परेशान करा है, तो सामने यू नो अभी अप फ्रंट बोलिंग करने भी आएंगी हेली मैथ्यूज, उस सामने मतलब यू नो उस मैचअप के दर पे भी मैं इनको बैक करूंगा। तो 11th प्लेयर मेरे लिए लिया तहू रहेंगी मोस्टली इस पर्टिकुलर गेम में। जी हाँ, अगर लिया तो हूँ गिलती तो मेरी टीम में भी होंगी, और इनफैक्ट आपकी टीम में भी बिल्कुल होनी चाहिए, और वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग आपको दे देती है, इसीलिए गुजरात थोड़ा इंक्लाइंड हो गया कि उन्हें पिक करे ओवर एक उतने उनके जो ओवरसीज बैटर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सारे ओवरसीज जो स्लॉट है उनके वो ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिए ही नहीं है खुद को कि नीचे वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ले लें, या फिर एक और ऑलराउंडर, या फिर एक पेसर ले लें जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले, जो कि पहले सदरलैंड थी, और सरप्राइजिंगली उन्होंने उनको छोड़ दिया। तो अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे, और अगर एश गार्डनर पहले बॉलिंग कर रही है तो अभी भी एक बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए रहेंगी, इवन दो एक अच्छा बैटिंग सरफेस है और बैटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा एश गार्डनर की रिसेंटली नहीं रही है, बहुत ज्यादा रन उतने कंसिस्टेंटली नहीं किए जितना एश गार्डनर करती थी, बट अभी भी डेथ में वैल्यू है और ऑलमोस्ट आपको 1920 ओवर 1 तो करेंगी वो। इसके अलावा आपके पास नैचे वेबरंट है जिनकी फॉर्म कंपेरेटिव विद द बैट हेली मैथ्यूज से काफी बेहतर रही है, और अमेलिया केर जिन्होंने लास्ट सीजन भी इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्म किया था। तो अगर रैंकिंग करनी हो तो एश गार्डनर बॉलिंग फर्स्ट, नैट सिवरब्रंट, अमेलिया केयर, फिर हेली मैथ्यूज, इस ऑर्डर के अंदर मैं जाना चाहूंगा, और अगर टॉस बदल जाता है तो फिर ऑब्वियसली नैट सिवर, हेली मैथ्यूज उस ऑर्डर में पहले आ जाएंगे। प्रतीक भाई, क्या आप कुछ बदलाव करना चाहेंगे? मैं चेंज करूंगा एंड नॉर्मली गार्डनर का बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना फेल हुए फिर भी उनको वहां पर बैक करता रहा, बट इन कंडीशन में मुझे लग रहा है कि शायद गार्डनर से ज्यादा वैल्यू नैट सिवर ब्रंट की होगी, जैसे पिछले गेम में भी आपने देखा था। पर्सनली मेरी कैप्टन थी नैट सिवर ब्रंट, तो उनके साथ नंबर वन मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन वो रहेंगी, बिकॉज बॉलिंग भी कर रही है, डेथ में भी आई थी और बैटिंग में भी बहुत ही बढ़िया टच में लगी थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो बॉल मिला वहां पर आउट हो गई। सेकंड प्रेफरेंस मेरी रहेंगी अमेलिया केयर। अगर आप अमेलिया केयर के मैचअप भी देखो यू नो वर्सेस गुजरात के बैटर, तो काफी बढ़िया है। आपने बहुत राइटली कहा था कि शायद वुमेन्स गेम में मैचअप्स इतने मायने नहीं रखते, बट पिछली गेम में भी 2 विकेट लेकर गई थी, अगेन डेथ वाली वैल्यू है, बैटिंग भी आएंगी। तो ये फर्स्ट दो मिले टॉप रहेंगी। नंबर थ्री पर हेली मैथ्यूज, अगेन मुंबई फेवरेट्स मान रहा हूँ मैं वो, एंड देन फाइनली एशली गार्डनर को, राइट। तो इस तरीके से ये चार मेरे रहेंगी रैंकिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस मैं इन चार को इन्हीं ऑर्डर में बैक करूंगा। जी, आपने वो जो बॉल की बात की, और मुझे लगता है कि किसी भी प्रीव्यू में किसी ने बात भी की होगी अरुण त्रेडी की, कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेयर रह सकती है, और क्योंकि वो डोमेस्टिक फॉर्म अब देखते आ रहा है, अरुण देती ने एक्चुअली डोमेस्टिक में बहुत रन भी किए हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने विकेट से भी किए हैं, तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ रही थी, और इसलिए हमने स्पेसिफिकली बात भी की थी। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे तो अरुण त्रेडी को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि पूरी दुनिया भूल रही है ऑलरेडी, बट काफी क्रूशल वो रोल था उनका, और भले ही दिल्ली नहीं जीती हो बट कोई ना कोई ग्रैंड लीग तो जीता हो उनकी वजह से। तो इसी के साथ हमारा कॉम्बिनेशन रेडी है, और जाते जाते बस अमेलिया केयर की हमने बात की है, तो आखिरी उनके अगर आप 5 मैचेस देखेंगे तो समय प्लेयर ऑफ द मैच आई है वो। लास्ट मैच के अंदर भी एक क्रूशल रोल था, लास्ट के अंदर 20th ओवर भी दिए थे तरमन ने कि लो विकेट तो चाहिए आपका, आप भी मेरी टीम में। तो
तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और बैटिंग से भी अच्छी खासी फॉर्म है, बस थोड़ा सा चेज करते हुए क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुंबई शायद पहले ही खत्म कर देंगे मैच, तो उतनी ज्यादा बैटिंग आती नहीं है, बट बैट फर्स्ट करते हुए अच्छी ऑप्शन रहेगी। तो ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत लक वहां पे जरूर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको प्रीव्यू अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट प्रीव्यू में, और कोशिश करेंगे कि नॉर्मल नंबर्स के अलावा कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, क्योंकि नॉर्मल नंबर्स तो अब तो हर जगह चिपके हुए सेम आपको मिलते हैं। प्रतीक भाई जाते जाते कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं बस जैसा चल रहा है चलने दो। नथिंग नथिंग न्यू टू ऐड इन दिस गेम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और होपफुली नेक्स्ट मैच में हमारी टीम भी जीतेगी, व्यू स्पोर्ट कैलको टीम भी, आपकी भी। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फैंटेसी अकाडमी 25,000 गिव है, वो भी जाके ज्वाइन कर लो, कुछ जेब से लगाना नहीं है, और 25,000 फ्री के मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।